क्या हाल चाल? नमस्कार, क्या हाल चाल? तो दीपक, आज का क्या एजेंडा है? आज का एजेंडा है कि हमारा पेरिस व्लॉग कहाँ है, पेरिस के वीडियोस कहाँ है। आपसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो शायद आप सभी लोगों को हेल्प करे जब आप ऐसी कोई सिटी में आओ, स्पेशली पेरिस, स्पेशली पेरिस एंड देन बार्सिलोना आल्सो, है ना। बार्सिलोना मतलब जो ऐसी सिटीज हैं जहां पर बहुत सारे लोग हैं, टूरिज्म ज्यादा है, तो उसी के लिए हम आए हैं। तो सबसे पहले तो सो सॉरी, पेरिस ब्लॉग तो हम नहीं कर पाएंगे, हमने जो वो क्रिसमस मार्केट लिया वही है। उसके अलावा पेरिस ब्लॉग में भी नेक्स्ट समर, दीपक, हम लोग बोल सकते हैं कि हम नेक्स्ट समर में आपको बताएंगे पेरिस ब्लॉग। तो बताओ दीपक, तुम एक्सपीरियंस स्टार्ट करो, क्या है? गाइस, हम लोग पेरिस जा रहे हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लिए सब जगह के, आईफिल टावर और जितनी भी अच्छी अच्छी जगह है फेमस पेरिस की, स्ट्रीट्स, शॉपिंग स्ट्रीट्स, फैशन स्ट्रीट्स, सब जगह के। और ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ पर इंडियन खाना था, सस्ता खाना था, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर सस्ते में, मतलब पेरिस में भी सस्ते में कैसे आप जा सकते हो और पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। पेरिस में एक जगह है गैरे डू नॉर्ट करके, जो वहाँ का मेन मतलब बड़ा एक रेलवे स्टेशन, उसके बाहर पूरा ये मान लो आप इंडिया बना के रखा हुआ है। लिटिल इटली, आपको इंडियंस के अलावा कोई दिखेगा नहीं, धड़ाधड़ लाइन से इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, सारी चीज अवेलेबल है, पानी पूरी, कचौड़ी, समोसे, एक यूरो की चाय, मूंगफली, सब चीज। चलो ये तो, और लेकिन सेफ नहीं है रात में, तो वो भी एक चीज है, वो हम बता देते। हुआ क्या, सारे इंडियंस लिए, सब लिए, हमारा फोन चोरी हो गया। मतलब हम लोग जिसमें हमारे वीडियोस थे, इसके पॉकेट से किसी ने निकाल लिया। और वो भी कैसे, मैंने देखा, मतलब देखा नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या। हम लोग एक सबवे मेट्रो स्टेशन पर खड़े थे, इसके पॉकेट में फोन था ऐसे, और ये खड़ी थी, एक बंदा आया पीछे से, पूरा गनेड़ी लग रहा था, आगे इसके पीछे खड़ा हो गया, आंख एक पूरी उसकी लाल हो रही थी। और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा जैसे उसको पीछे खड़ा था, तो मैंने इसको बोला सर भी इधर आ जाओ, तो ये इधर आई, ऐसे सडनली उसको कोई एक फ्रेंड आया, वो ऐसे उसने उसको ऐसे टैप किया और निकल गया पीछे से। तो इसमें सोचा भी है, मैंने सोचा नहीं क्या कर रहे हैं पागल लोग, अननोन लोग हैं, आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके निकल रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, ड्रग्स हो सकता है, नशे वशे में लग रहे हैं। उसके बाद इसने फोन चेक किया, फोन नहीं, हमने कहा क्या हुआ। फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि उसने फोन निकाला, उसका फ्रेंड आया, उसने उसको दिया और वो निकल गया दोनों। तब तक हम नीचे गए, तब तक वो मेट्रो में गायब। तो पेरिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस जरूर होता है। हम लोग बहुत चौड़े में गए थे कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के साथ क्या होता है, टिकट्स को लेकर ब्लफ हो जाता है, किसी को 10 यूरो का चूना लगा दिया, किसी को 50 यूरो का, सबसे बड़ा चूना हमें लग गया। हमें लगा जो हम बोलते थे सब लोगों को, प्लीज बी केयरफुल, पेरिस में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। पर अब ये वीडियो बनाने का भी मोटिव ये है कि हम सिर्फ मैसेज में अपने जान पहचान वालों को 100 लोगों को बोल सकते हैं, पर इस वीडियो के थ्रू हम सबको बता सकते हैं कि प्लस बी अवेयर ऑफ ब्लफ, एक्स्ट्रा केयर। हम लोग एक्स्ट्रा केयर्स के साथ थे तो भी हमारे साथ ऐसा हुआ। और हाँ, मतलब आपको केयरफुल नहीं, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि केयरफुल तो हम भी थे, हमें भी पता था ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे, चोरी चकारी, उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, अननेसेसरी, आप क्या हाथ पे आके बैंड बांध देंगे और फिर बोलेंगे 10 यूरोस देना पड़ेगा और दे दो भाई, और आपको टिकट के लिए हेल्प करेंगे और आपको दूसरा टिकट दे देंगे, फिर आप पुलिस से पकड़ा जाओगे। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ चेन कि आप कुछ गलत करोगे और आप पकड़ा जाओगे। तो केयरफुल रहना जरूरी है, और बहुत ज्यादा, स्पेशली आपके वॉलेट, फोन आप ऐसे रखो बैग के अंदर या फिर पॉकेट में, ऐसे कि आपको निकालने में भी प्रॉब्लम हो, कोई और तो निकाल ही ना पाए। तो मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, उसके बाद का एक्सपीरियंस, जो एक्चुअली हम लोग ऐसे लोग हैं कि हार मानने वालों में से नहीं है, तो हमने क्या सोचा कि हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं, बिकॉज
जो मेट्रो स्टेशन का कैमरा था वो एकदम यहाँ पर था, मैं यहाँ खड़ी थी, तो मेट्रो में जरूर कैप्चर हुआ होगा वो आदमी कौन था, किसने फोन चुराया। तो हम गए पुलिस स्टेशन, तो सबसे पहले तो हमें बीच में एक पुलिस मिली, उसने हमसे सारा कुछ पूछा कि कहाँ हुआ है, कैसे दिखने वाले लोग थे एंड ऑल दोस थिंग। तो वो हमने बताया और उसने हमें एड्रेस दिया कि यू शुड गो टू दिस पुलिस स्टेशन। उसने पुलिस स्टेशन का हमें एड्रेस दिया कि यहाँ पर जाओ कंप्लेन लिखवा दो। हम वहां पर गए और हमने फॉर्म में सारी कंप्लेन लिखी। हमारे पास ईएमईआई नंबर, आईएमईआई नंबर भी था, सब कुछ, आईएमआई हाँ सारी डिटेल्स थी हमारे पास। मतलब अगर पुलिस वालों को खोजना होता तो वो खोज सकते थे कैमरे के थ्रू या किसी भी वे से। पर मतलब दीपक तुम बताओ, ये तो एक पुलिस वालों, पुलिस, अब क्या बोलो, जो पुलिस का काम था उन्होंने किया, इग्नोर कर दो। बहुत क्योंकि बाहर भयंकर, से आने वाले लोग, टूरिस्ट कोई भी हो, इतना वो सीरियसली लेते नहीं है। वो क्या वो हेडिक पाले, वो किसी या तो लोकल वहीं के लोग हों तो वो थोड़ा बहुत ट्रैक करें, सीरियसली लें। टूरिस्ट ने पता, और मुझे तो लगता है उस थोड़ा बहुत सबको इन्फॉर्मेशन रहती है किसने क्या कर रखा है। हाँ क्योंकि इतने केस हो, हम गए, हमारे 10 मिनट बाद एक और बंदा आया, बोलता मेरा भी फोन चोरी हो गया सेम प्लेस से। उसके थोड़ी देर बाद 4-5 लोग फिर से आए, उनको भी कुछ कंप्लेंट, उनका भी कुछ चोरी हो गया। तो मतलब हाँ ये तो हमारे सामने आधे घंटे की इंसिडेंस थी, वहां तो डेली पता नहीं क्या कितना होता तो रहता मतलब होगा। हमें पूरा इग्नोर किया गया पुलिस वाले ने। मतलब उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा नहीं हम नहीं क्या इग्नोर बोल तो रहे नहीं हैं। किया उन्होंने, मतलब क्या किया उन्होंने, सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कंप्लेंट लिखी, फर्स्ट हाँ कंप्लेंट जो होती है उन्होंने लिखी, पूरा डॉक्यूमेंट साइन वाइन किए, सील वील लगाया, सब कुछ किया। और उन्होंने बोला आप ये अपनी लेकर जाओ कंप्लेंट, आपके जर्मनी में जाना, वहां पर आपका इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस है तो ये उसको दिखाना और आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा फैमिली मतलब का। साफ साफ उन्होंने ये बोला कि हम यहां से कुछ नहीं करेंगे, हाँ आपको जो करवाना है आप अपनी जो होम कंट्री है या जहां आप रह रहे हो वहां जाके कराओ। तो ये था, तो एक्चुअली ये मैं और मेरी सिस्टर, हमने ये एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था पर उसकी जो लाइटिंग थी वो बहुत कम थी इसलिए हम वो अपलोड नहीं कर पा मैंने रहे। हॉस्टल का वीडियो डाला, हॉस्टल बहुत सही था कहाँ से मेरा। मैं हूँ पेरिस। ये क्रिकेट क्यों दिखा रहा है फ्रांस में? ऐसे ही तुम तो यहाँ आराम से आज बैठ सकते हो। क्रिकेट मैच चल रहा में है भी तो आएगा क्या? मैं डालते यार कुछ नहीं डाल पाई, मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे बहुत अच्छा तो। हॉस्टल था पेरिस में जहां हम रुके थे। और व्यू मतलब लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, बगल में पूरी कनाल थी, वाटर कनाल, बहुत अच्छी पार्टी हुई वहां पर, हाँ बढ़िया मस्त लोग लोगों से थे, मिलना जुलना मजा हुआ। आ गया। उसका नाम था सेंट क्रिस्टोफर्स इन कनाल कैनाल, जो एकदम कैनाल के ही बगल में था। मतलब कैनाल ही, आपको बाहर बैठ के आप कॉफी टी कैनाल व्यू के साथ पी सकते हो। और उसके साथ ही अगर आप डायरेक्ट उसमें वो करोगे, क्या कहते हैं, बुकिंग डायरेक्ट उनकी करोगे, वेबसाइट आप, फिर ये कि ऐसा कुछ हमारा कुछ स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप वाला नहीं है काम बस नहीं, हमें अच्छा मैं बता लगा रहा हूँ इसलिए। उनके, हमने वहां पे देखा लिखा हुआ कि अगर आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से बुकिंग करते हो तो फ्री आपको ब्रेकफास्ट फ्री ब्रेकफास्ट रहता है और सब और बहुत चीप है, मतलब 18-20, 25%, कभी कभी 20 यूरो में, कभी 25 यूरो में बेड मिल जाता है आपको पूरा। और मस्त अच्छे माहौल लोग यार, माहौल अच्छे बहुत। पार्टी, अच्छे मतलब बढ़िया लोग, मजा आ गया। हाँ तो वो तो शायद नेक्स्ट टाइम। तो बस हमने शायद आपको, मैं तो मतलब बहुत दुखी हुई बिकॉज मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें शूट करी थी। और मैं अभी लिटरली जब मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं अपने गूगल पिक्सल से ही वीडियोस लेती हूँ बिकॉज उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। तो समहाउ वो सब कुछ चला गया पर हमारे पास एक एक्सपीरियंस है। हम लोग बस एट लास्ट ये सोच रहे थे कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ बिकॉज वहां पर चोरी के अलावा बहुत सारे क्राइम केसेस भी होते हैं। मे बी दीपक देख लेता उस पर्टिकुलर बंदे को एंड उस टाइम पे रिएक्शन हो जाता है कि यार ये इसने चोरी उनका क्या है किया। ना, आप उनसे बहस वहस करोगे तो बेकार है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रग्स का खतरनाक बिजनेस है वहाँ पर। बहुत क्या मार दें आदमी, हाथ में क्या हो क्या पता नहीं, पागल आदमी रहते हैं वहाँ पर। दूसरी बात, हमारा से चोरी हुआ कहीं होगी तो छीन के भाग जाते हैं आपसे। हाँ तो तो मतलब उनसे यार उलझना नहीं। तो एक चीज और हम आपको बता देते हैं, जान है तो जहान है। तो ऐसे लोगों से जो मतलब अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो भाई पैसे दे दो उन्हें, फोन दे दो, क्योंकि उनका रिएक्शन कैसा होगा आपको नहीं पता। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, जनरली पेरिस में तो होते ही हैं और बहुत सारे जर्मनी में भी अभी अभी रिसेंटली हुए। तो उससे बेटर है कि भाई जो वो मांग रहे हैं उनको दे दो। तो फोन कोने का जरूर दुख है लेकिन उसके साथ ये भी अच्छा है कि हम लोग भैया सही सलामत यहाँ पर हैं। एंड ठीक है, एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करना था एंड दैट
I have shared all the Paris, Paris में मजा तो आया, ठंड इतनी थी जान नहीं अरे जान निकल हम लोग दो दिन से बीमार है, पता है जब से हम आए हैं हम दो दिन से बीमार है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी, पूरे स्किन विस्किन सब फट गई वहां पर जाके। और तो समर में पेरिस देखने लायक रहेगा, दोबारा दिखाते हैं। तो आईफिल टावर देखा था तो कैसा लगा था? सिटी ऑफ लव, मैंने इतनी बार उस वीडियो में बोला था सिटी ऑफ लव में आपका स्वागत है, सिटी ऑफ सब गया। अभी भी मुझे वो सब चीजें याद आ रही है। कोई बात नहीं, तो ठीक है गाइज, जो भी लोग पेरिस आते हैं या प्लान बनता है उनका यूरोप में, ये वीडियो उनसे शेयर करो ताकि वो लोग भी एक्स्ट्रा कॉशियस रहें जब वो यहाँ पर आए। वहां पर मेट्रोज जो होती हैं वहां पर बिना टिकट के भी लोग घुस जाते हैं, और वहां का जो मेट्रो का सीन है वो बहुत वियर्ड है, बहुत फर्जीवाड़ा है, एक्चुअली बहुत फर्जीवाड़ा। मैंने देखा तो टिकट नहीं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, कोई जबरदस्ती घुस रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब क्या हो गया। मतलब बिल्कुल रूल्स के नाम पे एकदम नेग्लिजिबल है वहां पर, जो जर्मनी से एकदम अपोजिट है। जर्मनी रूल के नाम तो मेट्रो स्टेशन पे वो ही नहीं होते कि आपको, मतलब कोई गेट ही नहीं होता ओपन, आप जाओ ट्रेन में बैठो निकल जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन सब टिकट लेते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक चीजें रहती हैं, अलग ही दुनिया देखने को मिली। पर लेकिन ठीक है, मजा आया एक्सपीरियंस रहा, और दिखाते हैं फिर बाकी पेरिस। मतलब ऐसा नहीं कि सभी जगह ऐसा है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पर केयरफुल रहना पड़ता है। तो मे बी मैं, हम लोग जब एक बार अपनी स्टडी कर लें कुछ डेटा, अगर ऑलरेडी हमारे पास कुछ वीडियोस हैं हम आपको इंट्रैक्ट कर सकें, तो हम एक बार देखेंगे वो सारी चीजें। दो दिन से तो बीमार है, उसके बाद अगर हम पेरिस का पूरा अगर आपको ब्लॉग बना सकते हैं कि कितना पैसा खर्च होता है वहां पर, कहाँ कहाँ जगह घूमने वाली है, तो हम लोग डेफिनेटली बनाएंगे। पर हाँ, मेन मोटिव आपको, हम दोनों को का जो एक्सपीरियंस है, और मेरी सिस्टर भी थी वहां पर, हम तीनों का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है। एंड गुड्डू प्लीज यार सॉरी, वो बहुत ही काला वीडियो आया था, एकदम दिख ही नहीं रहते हम, इसलिए हम वो वाला वीडियो नहीं डाल पा रहे, हम ये वाला वीडियो डाल रहे हैं। एंड ठीक है, तो बाय बाय। माता पिता, भारत माता, सबको ध्यान रखना। और गुड्डू ने बोला था कि सिर्फ भारत माता और माताओं का ही क्यों, पिताजी का भी तो ध्यान रखना। तो हाँ ठीक है, सब लोगों का ध्यान रखना बहुत 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 इम्पोर्टेंट। बाय बाय।